स्वागत है। आज मैं कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, आइए देखते हैं। दो सौ ग्राम मूंग दाल ली हूँ, इसको दो घंटा आगे में भिगो कर रखी थी, अभी दरदरा सा इसको पीस लेंगे। दाल पिसा गया है, अभी इसको फ्राई करेंगे। तीन चम्मच कढ़ाई में तेल डाले हैं, अभी तेल भी गर्म हो गया है, इसमें देंगे जीरा, कसूरी मेथी, हल्का सा बेसन देंगे इसमें। आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्चा गुड़ा, आधा चम्मच जीरा गुड़ा, एक चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक देंगे, इसको हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद में ये दाल देंगे इसमें। इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे में पकड़ लेगा। हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहना है। तो आप देख सकते हैं कचौड़ी का मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो मैदा लिए हैं हम, सबसे पहले इसमें नमक डाल लेते हैं एक चम्मच, खस्ता के लिए रिफाइन देंगे दो या तीन चम्मच, अच्छे से इसको गूनेंगे। रिफाइन देने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी मिक्स हो गया है, अभी पानी से गूनेंगे। गर्म पानी देंगे, हल्का हल्का पानी देंगे। आटे को गून लिए हैं, अभी 5-10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। 5-10 मिनट हो गया है, अब इसको लोई बना लेंगे। उंगली की मदद से लोई को फैलाना है, इसमें भुने हुए मसाला को इसमें भरेंगे। इस तरह से सारे लोई को हमको इसमें मसाला भर के तैयार कर लेना है। सारे लोई को हम भर कर तैयार कर लिए हैं, अभी कढ़ाई रखेंगे, गैस जलाएंगे, गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे। चुका है, इसमें कचौड़ी को डाल देंगे, पूरा धीमी आंच में इसको तलना है। कचौड़ी हो गया है, अभी इसको निकाल लेंगे, सारे निकाल लेंगे। दोस्तों मेरा कचौड़ी बनकर रेडी हो गया है, एकदम लाजवाब बना है। आप लोग भी अपना घर में ट्राई करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।